नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। पंचायत विकास योजना 2023 से 24 तैयार करने को लेकर रात गांव में ग्राम सभा आयोजित। बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा निर्देश पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए समयबद्ध अवधि में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने और ई ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा एंट्री प्रविष्ट करने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने हेतु तेगरा प्रखंड के पिढोली पंचायत में गुरुवार को द्वितीय ग्राम सभा का आयोजन पंचायत के मुखिया आरती कुमारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें उप मुखिया मोहम्मद इब्राहिम, सरपंच सुमित्रा देवी, कार्यपालक सहायक सोनू कुमार, पंचायत सचिव बैजनाथ मोची, पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षक हरिवंश कुमार सिंह, रोजगार सेवक राम बरोस सिंह, वार्ड सदस्य राजेश चौधरी, सुशील कुमार राम, संदीप कुमार उर्फ लोली, उदय महतो, मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार के अलावे भारी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। ग्राम सभा के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 को लेकर टाइड व अनटाइड योजनाओं का चयन किया गया। इसके अलावा GBDP को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। दुखद है या चिंता का विषय है, इसमें हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। आम सभा में अधिक से अधिक लोग भाग ले और भाग लेकर उनके वार्ड में, उनके गांव में जो भी समस्या है, आम सभा में आकर अपना कठिनाई को, अपनी समस्याओं से आम सभा को अवगत करा दे, जिससे उन कठिनाइयों को समय रहते दूर किया जा सके। सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजना है विकास का, चाहे वह सड़क हो, नाला हो, कुआं का जीर्णोद्धार हो, विकास को अंतिम पायदान पर जो वंचित लोग हैं वहां तक पहुंचाने का सरकार का एक सतत प्रयास है। और सरकार के द्वारा लगातार और सभा का आयोजन कर जनता को विकास के भागीदार बनाना चाहती है। इसीलिए अभी और इसके आगे मंथ दिसंबर में भी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों मंथ में आम सभा का आयोजन किया गया है, जिससे कोई भी योजना किसी भी गांव का, किसी भी वार्ड का छूटे नहीं, कोई लोग इससे वंचित नहीं रहे। सरकार का यह सराहनीय एवं उत्तम प्रयास। क्या आज नए योजना का भी चयन लिया गया है? हाँ, विभिन्न वार्ड सदस्यों